हेलो फ्रेंड्स, सोलर टेक इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं विशाल आनंद आज आपको दिखाने वाला हूं कि यहां पे देखिए 330 वाट का तीन सोलर पैनल लगा हुआ है। 1 किलोवाट का यहां पे अभी हाइब्रिड सिस्टम लग रहा है और इसमें से जो है मैं आपको एक सिंगल सोलर पैनल जो है ल्यूमिनस कंपनी का, इसका करेंट और वोल्टेज टेस्ट करके अभी दिखाऊँगा। अभी टाइम जो हो रहा है फ्रेंड, देखिए 10:18 हो चुका है और अभी हम लोग जो है एक सिंगल सोलर पैनल का करंट और वोल्टेज चेक करके देखेंगे, करंट में शॉर्ट सर्किट करंट और वोल्टेज में ओपन सर्किट वोल्टेज। तो चलिए फ्रेंड, अभी मल्टीमीटर के हेल्प से अभी हम लोग इसको चेक करते हैं। यहाँ पे जो है सारे सोलर पैनल ल्यूमिनस कंपनी के लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे देखिए ल्यूमिनस, ये भी ल्यूमिनस और ये भी ल्यूमिनस, तीनों ल्यूमिनस कंपनी का सोलर पैनल है और सोलर पैनल जो है ये 330 वाट पिक का है। यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मेंशन कर रखा है, 332.23 वाट। यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर है इसका LUM24330। यहाँ पे देखिए पीक पावर, पीक मैक्स लिखा है 332.23 वाट, यानी 332.23 वाट। पीक वोल्टेज है VMPP 37.69 और पीक करंट है 8.81, शॉर्ट सर्किट करंट है 9.25 और ओपन सर्किट वोल्टेज है 46.32 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मल्टीमीटर के हेल्प से देखते हैं कि अभी इसका शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है एक सिंगल सोलर पैनल का, अभी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए सोलर पैनल में MC4 कनेक्टर भी लगे हुए हैं फ्रेंड। ये मल्टीमीटर ले लिए हैं, अभी इसको DC 200 वोल्ट पे सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए सेट कर दिए हैं और यहाँ पे मैंने प्रोब लगा दिया है, अभी 0.0 वोल्ट शो कर रहा है और ये मल्टीमीटर का प्रोब वाला वायर है, इसको अभी हम लोग जो है सोलर पैनल के MC4 कनेक्टर से कनेक्ट करके देखेंगे कि ओपन सर्किट वोल्टेज अभी कितना जनरेट कर रहा है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये निगेटिव वाला वायर होता है और ये पॉजिटिव वाला होता है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने यहाँ पे निगेटिव वाला वायर MC4 कनेक्टर के फीमेल वाले कनेक्टर से लगा दिया है और पॉजिटिव वाला जो वायर है मेल वाले कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज जो है अभी 40.7 वोल्ट ये जनरेट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, अभी सोलर पैनल का टेम्परेचर थोड़ा राइज कर गया है क्योंकि धूप में ये कंटिन्यू है, तो इसके कारण वोल्टेज ड्रॉप कर गया है। ये हो गया इसका ओपन सर्किट वोल्टेज। अब हम लोग जो है इस सोलर पैनल का शॉर्ट सर्किट करंट चेक करेंगे कि अभी कितना जनरेट कर रहा है। तो आज जो रेडिएशन जो है ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, तो उस हिसाब से देखेंगे शॉर्ट सर्किट करंट इस टाइम में कितना जनरेट कर रहा है। तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है थोड़े से समय के लिए चेक करेंगे, नहीं तो मल्टीमीटर आपका डैमेज हो सकता है। तो इसको 20 एम्पियर DC पे सेट कर लेते हैं और ये जो है पॉजिटिव वाला को 20 एम्पियर DC पे इस तरह से कनेक्ट कर लिए और पॉजिटिव वाला जो है MC4 के मेल कनेक्टर में इस तरह से लगा रखा है। निगेटिव वाला सिर्फ मैं अभी फीमेल वाले पोर्शन में लगाएंगे और देखिए यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू दिखाएगा। देखिए फ्रेंड, 6.98 एम्पियर करंट शो कर रहा है जो कि काफ़ी बेहतर करंट है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज मैंने आपको चेक करके दिखाया एक सिंगल 330 वाट पीक के सोलर पैनल का। तो फ्रेंड, जब ये 1 किलोवाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम जब इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको इसका एक प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊँगा कि इसमें कितनी बैटरी लगी है और कौन सा इन्वर्टर मैंने लगा रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।